तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर। हिंदू संस्कृति में धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार तथा परंपराओं का अत्यंत महत्व है। भारत में हर त्यौहार को परंपरागत रूप से पूरे उमंग अनुसार के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार की अपनी अलग विशेषता होती है और हर त्यौहार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के आरंभ होते ही लगभग सभी प्रमुख त्यौहार शुरू हो जाते हैं। गणेश उत्सव के पश्चात पितृपक्ष के 15 दिन छोड़ दिए जाएं, उसके बाद लोगों को बिसेवरी से इंतजार होता है नवरात्रि का। नवरात्रि माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा का महापर्व होता है। माँ के शक्ति स्वरूप की उपासना का यह महोत्सव 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों तक जगह जगह पर माँ की उपासना की जाती है, इससे संपूर्ण वातावरण में माँ की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। लोग अपने घरों में तो माँ की उपासना करते ही हैं, और साथ ही शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मंडलों के द्वारा माँ की भव्य मूर्तियां विराजित की जाती है, और 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ की उत्सव मनाया जाता है। कई लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास करते हैं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि करते हैं। बहुत से घरों में माँ की आराधना में खटबटाते हैं और घर में खेले जाते हैं। नवरात्रि में हम सभी को ये तो पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और माँ की उपासना, महत्व के पूजा पाठ के क्या नियम होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नवरात्रि में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी करने नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी माँ दुर्गा बहुत भोली होती है, हमारे सिर पर हमेशा अपना कृपा हाथ रखती है। हमारे दिल से की गई श्रद्धा भक्ति से वह जल्दी ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है और हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ भी कर देती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जिन्हें माँ चाहकर भी माफ नहीं कर पाती और इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें नवरात्रि में भूल से भी नहीं करने चाहिए, ताकि माँ हमसे नाराज ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं वे कौन से कार्य हैं। पर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दुर्गा माँ को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना। पहली बात, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नवरात्रि शक्ति की उपासना और सम्मान का पर्व होता है। नवरात्रि में माँ विभिन्न रूपों में इस संपूर्ण सृष्टि में विचरण करती है। नवरात्रि में लोग माँ का आह्वान करते हैं और अपने घरों में माँ को बुलाना चाहते हैं, तो माँ भी उन घरों में जाना पसंद करती है जिन घरों में उनका स्वागत उचित तरीके से किया जाता है। जिस घर में अनावश्यक कलह और वाद विवाद, माँ वहाँ पर कभी नहीं जाएगी। इसलिए विशेष रूप से इन 9 दिनों में अपने घर का वातावरण आनंदमय रखिए और झगड़ा और कलह से दूर रहें। माँ की उपासना में प्रथम चीज से करनी चाहिए। दूसरी बात, अपने घर में कभी भी किसी भी महिला या कन्या का अपमान न करें और ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करें। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन माँ दुर्गा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए 9 दिनों के दौरान भूल से भी अपने घर की महिलाओं का या कन्याओं का या अपने माताओं का अपमान न करें। तीसरी बात, नवरात्रि के 9 दिनों तक चमड़ा या चमड़े की बनी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग न करें। ये शास्त्रों के दृष्टि से वर्जित है। जीवों को निर्दयता से मारकर उनके चमड़े से बने हुए वस्तुओं का उपयोग करने से माँ रुष्ट हो जाती है। माँ इस संसार की सभी प्राणियों पर प्रेम करती है। सभी प्राणी माता को अत्यंत प्रिय है। इसलिए 9 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार के जीव की हत्या भूल से भी ना करें। चौथी बात, नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित माना गया है। इन पूरे 9 दिनों तक आपको स्वच्छ और साफ कपड़े पहनने चाहिए और गंदगी से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, नवरात्रि के 9 दिनों तक मांसाहार ना करें और ना ही मद्यपान करें। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही नशा करने वालों से माँ हमेशा दूर रहती है, ऐसे लोगों पर अपनी कृपा कभी नहीं बरसाती। कोशिश करें कि 9 दिनों तक अपने आहार में प्याज और लहसुन का भी प्रयोग न करें। तामसिक भोजन के बजाय सात्विक आहार करें, जिससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। छठी बात, काला रंग शास्त्रों की दृष्टि से अशुभ माना गया है और इस रंग के किसी भी वस्तु की कभी भी पूजा पाठ में या शुभ अवसर पर नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं, इसलिए 9 दिनों तक काले रंग की कपड़े और वस्तुओं को अपने शरीर पर ना पहने। सातवीं बात, नवरात्रि में जो लोग उपवास और व्रत करते हैं उन्हें पूरे 9 दिनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है।
आठवीं बात, नवरात्रि के व्रत वाले दिन केवल व्रत का निर्धारित खाना ही खाएं, अनाज और लहसुन का सेवन भूल से भी ना करें। नवीं बात, नवरात्रि में नियमित रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद माँ के धूप दीप के साथ आरती भी जरूर करें। पूजा और आरती करते समय पूजा में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए या रुक रुक कर भी आरती नहीं करनी चाहिए। पूजा और आरती एक बार में ही संपन्न करनी चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा व्यर्थ होती है। दसवीं बात, नवरात्रि में माँ के खंडित या पुरानी मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। हमें शर्मा की मूर्ति की स्थापना करें और ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को कभी भी अकेला ना छोड़े और घर में कोई घर स्थापना की हुई है तो घर में कोई ना कोई स्त्री या पुरुष अवश्य ही रुकना चाहिए, ऐसे समय में घर को खाली छोड़ने से अशुभ होता है। सातवीं के पीछे यह भी एक कारण है कि घर के अंदर बिल्लियां घूमती है, इससे कोई छोटे पशु माँ के घर को नष्ट कर सकते हैं और इससे अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर को अकेला ना छोड़े। तो ये थी वह कार्य जो नवरात्रि के 9 दिनों में हमें करने नहीं चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा जय माँ शक्ति अवश्य लिखिए। वीडियो से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।